नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है, कल जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के गुड़ूल इलाके में मिलिटेंट्स और फोर्सेस के दरमियान एक एनकाउंटर हुआ है, जिसमें फोर्सेस के दो आला अफसरान और पुलिस का एक आला अफसर जान बहक हुआ है, और कहीं ना कहीं एक बार फिर वहां पे जो है सर्च ऑपरेशन को रिज्यूम किया गया है। पूरी तफसीलात आपको बता देते हैं कि कल दोपहर के वक्त जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के गुड़ूल इलाके में फोर्सेस को एक इनपुट मिलती है कि फोर्स गुड़ूल इलाके में मिलिटेंट्स की मौजूदगी, उसी बीच फोर्सेस इलाके को कॉर्डन ऑफ करती है और एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन लॉन्च किया। तभी मिलिटेंटों ने जब जो है सर्च पार्टी मिलिटेंटों के करीब पहुंचती है तो उन्होंने फोर्सेस पर ऑटोमेटिक हथियारों से गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में फोर्सेस को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें आर्मी कर्नल मेजर और एक डीएसपी जान बहक होता है। और कहीं ना कहीं आज एक बार फिर जो है सर्च ऑपरेशन को रिज्यूम किया गया है, और पुलिस ने आज सुबह एक जानकारी दी है जिसमें उन्होंने कहा कि लोकल एक मिलिटेंट जिसका नाम ओज़ैर खान और एक और मिलिटेंट है जो इस एनकाउंटर में जो है शामिल थे, जिन्होंने फोर्सेज पर फायरिंग की, इस किलिंग में वो मुलव्वस है, लेकिन कहीं ना कहीं फोर्सेज उनको लगातार ढूंढ रही है और आशंका की जा रही है कि जो दो मिलिटेंट वो ट्रैप ही है, उनको जल्द से जल्द इलिमिनेट किया जाएगा। एक बार फिर आपको बता देते हैं कि गुडूल के कोकरनाग इलाके में, यह अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का इलाका है, वहाँ पर जो है फोर्सेज और मिलिटेंट्स के दरमियान कल एनकाउंटर हुआ था, जिसके नतीजे में फोर्सेज के कई आला अफसरान और एक पुलिस का एक आला अफसर शदीद तौर पर ज़ख्मी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में ये तीनों आला अफसरान जो है ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठते हैं।